इदारे को तामीर करने के लिए बड़ी जद्दोजहद की। कहीं उन्हें स्टेज पर अपने पांव में घुंघरू बांधकर नाचना पड़ा, तो कहीं लोगों ने इदारे को चंदा देने के बजाय अपनी जूतियां उनके हवाले कर दी। लेकिन उन जूतियों को भी उन्होंने लोगों के तरफ से एक अजीम तोहफा समझकर। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। इट इज माई ग्रेट ऑनर टू इंट्रोड्यूस आवर चीफ गेस्ट डॉक्टर यासिर इमाम साहब, प्रोफेसर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हु हैज ग्रेशियसली एक्सेप्टेड आवर इन्विटेशन टू ज्वाइन अस टुडे। प्लीज बिगर हैव अ बिग राउंड एंड थंडरस राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاضرين محفل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته آج کے اس عظیم الشان جلسے میں اسٹیج پر رونق فرما جناب شاہد حسین صاحب فاؤنڈر اور بانی اس درسگاہ کے मैं उनका दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूं कि उनकी काविशों का नतीजा है कि सेंट्रल मॉडल हाई स्कूल आज अपनी कामयाबियों की बुलंदियों के सफ़र पर गामजन है। मैं एक बार आपका शुक्रगुजार हूं कि आप इस छोटे से कस्बे में इल्मी फरोग को अंजाम दे रहे हैं और लायक एहतराम है यहाँ के प्रिंसिपल जनाब अमरुल हुदा साहब। मैं उन तमाम असातिज़ा यानी तमाम टीचर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि जो लोग अपनी काविशों अपनी मेहनतों से एक अजीम काम को अंजाम दे रहे हैं जिसकी ज़रूरत आज हमारा माशरा बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहा है कि इल्म जो है एक ऐसी नेमत है जो हर घर हर कस्बे हर मोहल्ले हर परिवार तक पहुंचना लाजमी है। इसी नेमत को पहुंचाने के लिए एक मर्द मुजाहिद जो है 1857 के गदर के बाद उसने अपने कंधे पर बीड़ा उठाया कि जो कौम पसमांदगी का शिकार हो गई है गदर के बाद, जो कौम इल्म से दूर हो गई है, जो कौम इल्म से दूर हो गई है, जो कौम असरी तालीमात से दूर हो गई है, साइंटिफिक एजुकेशन से दूर हो गई है, उस कौम को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एक ऐसे इदारे की तामीर का जिम्मा उठाया जिसे मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहा गया, जिसके बुनियाद सन 1875 में अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान ने रखी थी। और ये अजीमुशान इदारा आगे चलकर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। इस इदारे की तामीर कोई आसान काम नहीं थी। सर सैयद ने इस इदारे को तामीर करने के लिए बड़ी जद्दोजहद की। कहीं उन्हें स्टेज पर अपने पांव में घुंघरू बांधकर नाचना पड़ा, तो कहीं लोगों ने इदारे को चंदा देने के बजाय अपनी जूतियां उनके हवाले कर दी। लेकिन उन जूतियों को भी उन्होंने लोगों के तरफ से एक अजीम तोहफा समझकर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के खाते में चंदे की सूरत में रखा कि ये आपकी जूती चार आने में बिकी है और ये चार आना मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की तामीर में लगाया जाएगा। तो ये उस मर्द मुजाहिद का एक अजीम काम था जो बर्रे सगीर में एक ऐसे इदारे के रूप में हमारे सामने है जो दुनिया उसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहती है। और मैं फख्र महसूस करता हूँ कि मैं उस इदारे का तालिब इल्म रहा हूँ और आज मैं उसी इदारे में उस्ताद की हैसियत से तालीम व तदरीस के काम में मुलव्वस हूँ। ये आज छोटा सा इदारा यकीनन होगा, एक छोटे से कस्बे में है, बहुत छोटे से कस्बे है पांजीपाड़ा और ये छोटा सा इदारा, लेकिन ये हमेशा छोटा इदारा नहीं रहने वाला है। ये आने वाले मुस्तकबिल का एक अजीम इदारा बनने वाला है। आप मेरी इस बात को याद रखिए। क्यों होगा? क्योंकि आप लोग जिस मेहनत के साथ यहाँ पर काम को अंजाम दे रहे हैं, मैं तारीफ करूँगा यहाँ के तमाम टीचर्स का, मैं तारीफ करूँगा यहाँ के तमाम स्टूडेंट्स का जो इस स्कूल के कामयाबी में शाना बशाना मिलकर चल रहे हैं।
एक मैनेजमेंट में एक अप्रोच पढ़ाया जाता है जिसे हम लोग टीम अप्रोच कहते हैं। इसका अगर एक्रोनिम देखा जाए, टी स्टैंड्स फॉर टुगेदर, ई स्टैंड्स फॉर एवरीवन, ए स्टैंड्स फॉर अचीव एंड एम स्टैंड फॉर मोर। टुगेदर एवरीवन कैन अचीव मोर। अगर हम एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर काम करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कामयाबी हासिल कर पाएंगे। तो मैं इस स्कूल के स्टूडेंट से ये गुजारिश करूंगा कि अपनी जिंदगी में टीम अप्रोच को एक अहम चीज के तरह से शामिल कर लें कि अगर आप एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर तालीम हासिल करेंगे। फर्ज कर लीजिए कि कोई स्टूडेंट मैथ में अच्छा है, कोई स्टूडेंट सोशल साइंस में अच्छा है, कोई स्टूडेंट साइंस में अच्छा है, बायोलॉजी में अच्छा है, कोई स्टूडेंट इंग्लिश में अच्छा है, तो ये चार पांच जो स्टूडेंट का एक कॉम्बिनेशन बनेगा वो एक दूसरे को मैथ्स जानने वाला सोशल साइंस जानने वाले को मैथ सिखाएगा, साइंस बायोलॉजी जानने वाला इंग्लिश एक्सपर्ट को बायोलॉजी सिखाएगा, सर हिस्ट्री जानने वाला मैथमेटिक्स जानने वाले को हिस्ट्री सिखाएगा। तो इससे एक ऐसा ग्रुप बनेगा जो सभी सब्जेक्ट में माहिर बन जाएगा। तो टुगेदर एवरीवन कैन अचीव मोर। याद है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीम अप्रोच? टुगेदर एवरीवन कैन अचीव मोर। सो यू हैव टू स्टे टुगेदर, स्टे फर्म। आपको हमेशा एक साथ मिलकर अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ना है, और जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये आप तरक्की करेंगे, ये इदारा तरक्की करेगा, आपके उस्ताद यानी टीचर्स तरक्की करेंगे। अब एक और अप्रोच जो मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा जिस पर फोकस होता है, अटेंशन होता है, वो होता है आपके स्टार अप्रोच। एक बड़े फेमस मैनेजमेंट गुरु है पीटर ड्रकर, अमेरिकन फेमस मैनेजमेंट गुरु नोन एज पीटर ड्रकर। He gave us a concept of a star approach. जब everyone has a some definite goal in life. अगर आपकी जिंदगी में आपके पास कोई गोल नहीं है, कोई मकसद नहीं है, तो आपकी जिंदगी बेकार है, बेमकसद जिंदगी का कोई माना नहीं होता है। आपकी जिंदगी का कोई ना कोई मकसद जरूर होना चाहिए, आपका गोल, आपका टारगेट कि आपने कहाँ तक पहुँचना है, क्या हासिल करना है जिंदगी में। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को सिविल सर्वेंट बनना है, किसी को प्रोफेसर बनना है, किसी को पॉलिटिशियन बनना है। देयर मस्ट बी सम डेफिनेट गोल फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल। सो यू हैव टू डिफाइन योर प्रोफेशनल गोल, यू हैव टू डिफाइन योर पर्सनल गोल इन लाइफ। विदाउट गोल योर लाइफ इज मीनिंगलेस। So try to give a direction to your life with that definite goal. और उस goal को हासिल करने के लिए star approach, S-T-A-R. S stand for specific. Always be specific. अगर आप अपने goal में specific नहीं हैं, तो आप कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे. Be specific. एक अक्सर कहावत सुनी है कि दो नाव पे पांव रखने वाला जो है कामयाब नहीं होता है। तो दो नाव का मतलब क्या है कि वो स्पेसिफिक नहीं है। यू नीड टू बी स्पेसिफिक इन योर लाइफ कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर ही बनना है। देयर मस्ट बी सम संकल्प। अगर आपने संकल्प नहीं किया अपनी जिंदगी में तो आप उस गोल को हासिल नहीं कर पाएंगे। तो एक मंत्रा याद रखिए, देयर विल बी नो विकल्प ओवर संकल्प। अगर संकल्प कर लिया है तो विकल्प की कोई गुंजाइश नहीं है। तो संकल्प कीजिए स्पेसिफिक गोल, उसके अलावा कुछ नहीं। आई वॉन्ट टू बिकम एन IAS, मुझे किसी जिले का DM बनना है, मुझे किसी जिले का SP बनना है, दैट इज द संकल्प, दैट इज द स्पेसिफिसिटी। वो गोल स्पेसिफिक होगा आपका। उसके बाद जो है टी स्टैंड फॉर टाइम बाउंड। अगर आपने गोल को टाइम बाउंडेड नहीं किया तो आप क्या करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे। गोल हमेशा टाइम बाउंडेड। वी हैव टू क्वालिफाई द मेडिकल विद इन 2 years। 2 साल में हमें
नीट क्वालिफाई करना है, 2 साल में हमें IIT क्वालिफाई करना है, 2 साल में UPSC क्लियर करना है, तो दिस इज द टाइम स्पेसिफिक, देन टाइम बाउंडेड गोल, देन कम्स द ए ऑफ स्टार, ए स्टैंड्स फॉर अटेनेबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अटेनेबल? हर एक इंडिविजुअल के डिफरेंट टैलेंट होता है। कोई स्टूडेंट अगर साइंस में अच्छा है तो जरूरी नहीं कि वो सोशल साइंस में अच्छा हो। अगर कोई स्टूडेंट सोशल साइंस में बेहतर है तो वो मैथ्स में अच्छा नहीं होगा। तो वैसे गोल आप तलाश कीजिए जिस गोल को आप हासिल कर पाए। मैथ्स हमारी बहुत वीक है और हम कोशिश कर रहे हैं कि IIT क्वालिफाई कर लें। That will be a very difficult task if I am having I'm not good at mathematics. So try to be attainable goal, कि जिस goal को आप हासिल कर पाएं। Social science अच्छी है, math अच्छा नहीं है, आप switch कर जाएं 10th के बाद arts में, then prepare for the civil services and just hit the bullseye within 2 years with your knowledge in social sciences, with your knowledge in political science, with your knowledge in history, with your knowledge in इकोनॉमिक्स, यू कैन क्लियर द UPSC। तो आपको अटेनेबल गोल हमेशा जो है सेट करना होगा। एंड देन कम्स द आर, रियलिस्टिक गोल, देयर मस्ट बी अ गोल, मस्ट बी रियलिस्टिक, बिल्कुल हकीकत पर मबनी हो। ऐसा नहीं है कि हम जो है अभी यहाँ पर खड़े हैं और कहें कि बस चांद पे पहुंच जाएंगे, तो ये हकीकत पर मबनी नहीं है कि मैं 5-12 में बैठ कर चांद पे पहुंच जाऊँ। हाँ, मुझे चांद पे पहुंच सकता हूँ अगर मैं नासा में एज अ साइंटिस्ट काम कर रहा हूँ, तो मैं चांद पे पहुंच जाऊंगा। तो वहां के लिए वो अटेनेबल रीजनेबल है, बट यहाँ के लिए रीजनेबल नहीं है। तो देयर मस्ट बी सम रीजनेबल गोल, स्टार, स्पेसिफिक, टाइम बाउंडेड, अटेनेबल एंड रीजनेबल गोल। जब आप स्टार अप्रोच को फॉलो करेंगे तो ईजिली अपने मकसद को, अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल कर पाएंगे। अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस to achieve the desired objective in our life. So this is the second motto what I wanted to discuss with our student here at Central Model High School. Now again comes the another approach of management, that is known as cash. What is the meaning of cash? Any idea? What is cash in management? This is not cash about the money. It is not cash. This is not related to something monetary. This is related to your studies. For example, K stand for knowledge. A stand for attitude. S stand for skills. And H stand for habit. K, A, S, H, cash. If you follow all these aspects of the management, you will definitely crack your desired objective. You need to have a knowledge. Without knowledge, aapki koi pooch nahi hai duniya mein. Nowadays, 99.9% the person who is getting 99.9% in 10 plus 2 is getting admitted at St. Stephen's College, New Delhi. There is a very famous college of Delhi University, St. Stephen's, Miranda House. श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, SRCC। सो इन कॉलेजेस में जो प्लस टू में एडमिशन होता है वो 99% कट ऑफ होती है, उसके नीचे वाले लोगों का एडमिशन नहीं होता है। तो अगर इन कॉलेजेस में आप पढ़ना चाहेंगे, सेंट स्टीफन्स में जाना चाहेंगे, यू नीड टू हैव अ नॉलेज, एंड यू विल हैव अ नॉलेज, यू विल स्कोर अ गुड मार्क्स इन योर 10+2, देन ओनली यू कैन गेट एडमिशन इन सेंट स्टीफन्स कॉलेज। So, knowledge is a very essential for your success in professional and personal life. Then another one is your attitude. What is the meaning of attitude? Any idea? First row, graduation day, pe jo toppers hamare aage baithe hain. What is the meaning of attitude? Any idea from girls? Audience? The soon-to-be graduated student who all are in class 10, what is the meaning of attitude? Attitude is very essential for having a success in life. You need to be a very positive. Be positive always. Yes, I can crack. Agar aap pehle hi haar maan jaoge,
किसी कंपटीशन में अपीयर होने से पहले, किसी एग्जाम में अपीयर होने से पहले, किसी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले कि नहीं ये बहुत टफ है, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये एग्ज़ाम बहुत मुश्किल है, यहाँ तो 1,000,000 लोग बैठते हैं। तो जैसे ही आपने कहा 1,000,000 लोग बैठते हैं, वहीं से आपका जो है फेलियर शुरू हो गया। आपने आपकी एटीट्यूड क्या कि 1,000,000 बैठते हैं लेकिन मुझे तो एक ही सीट चाहिए उसमें, एंड दैट सिंगल सीट इज फॉर मी, एंड आई एम हैविंग अ नॉलेज, आई एम हैविंग एन एटीट्यूड, एंड आई एम हैविंग अ स्किल, स्किल you are good at time management, you are good at following your schedule, you are very good at following the timetable, following the classes, you are having good at mathematical skills, reasoning skills, logical reasonings, so these are your skills, you are very good at communication, aap bahut acche se logon se baat karte hain. Whenever you go for the interview in any job, they basically try to find the level of a communication, how easily you are communicating with the interviewer. So ye cheeze aapko kya karti hai, skills aapko aage ke matlab habit, aapki aadat honi chahiye subah uthne ki, early to bed and early to rise is a mantra of success. Aap agar subah fajar mein uthenge to aapko subah 4 baje se lekar 8 baje tak ka 4 ghante ka aisa waqt milega जिसमें कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी पढ़ने में, और ये हैबिट होनी चाहिए आपकी कि पढ़ें उसी वक्त में ताकि चीज़ें याद भी रहें विदाउट एनी डेविएशन, फुल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तब जाकर आप जो है, और ये रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए. इसके लिए हैबिट के लिए एक शेर है, शायद अल्लामा इकबाल का है, ये मेरी याद नहीं, यकी मोहकम अमल पहम, यकी मोहकम अमल पहम मोहब्बत फातहे आलम, यकी मोहकम अमल पहम मोहब्बत फातहे आलम, जिहादे जिंदगानी में है यही मोमिन की शमशीरें. यकी मतलब वी आर हैविंग अ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट है, हमें यकीन है आई विल गेट द सक्सेस. अमल पहम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमल पहम, कंटिन्यूअस एंड कंसिस्टेंस अप्रोच, एक दिन भी आप जो है नागा नहीं करेंगे, एक दिन भी आप स्किप नहीं करेंगे, एक दिन भी आप क्विट नहीं करेंगे, चाहे वो दिन ईद का ही क्यों ना हो. अगर आप स्टूडेंट हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ईद नहीं है. नमाज पढ़ा, लोगों से मिले, एक प्याला सेवई खाई और अपनी पढ़ाई की तरफ वापस लौट गए, क्योंकि आपके लिए ईद का दिन वो दिन होगा जिस दिन आप नीट में क्वालिफाई कर जाएंगे, जिस दिन आप आईआईटी क्वालिफाई कर जाएंगे, जिस दिन आप सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कर जाएंगे. तो ये जो है आपको हैबिट बनानी होगी, और कंटिन्यूअस एफर्ट, बिना कंटिन्यूअस एफर्ट के, कंसिस्टेंट एफर्ट के कामयाबी मिलना मुश्किल है. तो कोशिश करें कि ये तीन अप्रोच को अपनी जिंदगी का मकसद बनाएं, कि स्टार, कैश, और मैंने और कौन सा अप्रोच बताया था, टीम अप्रोच, टुगेदर एवरीवन कैन अचीव मोर. ये स्कूल कामयाबी की बुलंदियों पर जो आगे बढ़ रहा है वो इस वजह से बढ़ रहा है कि टीम अप्रोच है. यहाँ के टीचर्स, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन या इंतज़ामिया कह लें, या डायरेक्टर साहब कह लें, प्रिंसिपल कह लें, यहाँ के स्टूडेंट एक दूसरे के साथ मिलकर एजुकेशन के ये कामयाबी की नई बुलंदियों को, क्या के सफ़र को तय कर रहे हैं, एक साथ है, टीम अप्रोच दिखती है इस स्कूल में. तो टीम अप्रोच ही सक्सेसफुल बनाती है किसी भी मिशन को, किसी भी ऑब्जेक्टिव को. तो आप लोगों को इस मुबारक दिन की पुरखलूस मुबारकबाद, और तमाम बच्चे जिन लोगों ने अपनी काविशों से, अपनी मेहनत से आज अच्छे मार्क्स लाए हैं, टॉप किया है अपने ज़िले में, अच्छे परसेंटेज के साथ टेंथ पास किया है, उन सभी बच्चे और बच्चियों को मैं दिल की अमीक गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ. आप तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, और ये कामयाबी का पहला जीना है, ये एंड नहीं है, अब जो है सफ़र और मुश्किल होने वाला है आगे. तो आप अब नेशनल लेवल पर आपको कॉम्पीट करना है, 10+2 के बाद सारे टेस्ट जो होते हैं, सारे एंट्रेंस होते हैं, वो सब नेशनल लेवल के होते हैं. 1,000,000 1,500,000 से नीचे कोई उसमें अपीयर ही नहीं होता. तो आपका अब जो इम्तहान है और ज़्यादा टफ होने वाला है.
तो इस टफ एग्जाम को फेस करने के लिए और ज्यादा मेहनत कीजिए, ताकि आप अपने इस कस्बे का, पांजीपाड़ा का, सेंट्रल मॉडल हाई स्कूल का नाम और ज्यादा रोशन कर पाए। आपकी कामयाबी की वजह से ये इस स्कूल का नाम रोशन होगा, यहाँ के टीचर्स का नाम रोशन होगा, और जब स्कूल का नाम रोशन होगा तो आपके ऊपर सारे असातज़ा यानी सारे टीचर फख्र करेंगे, आपके माँ बाप आपके ऊपर फख्र करेंगे, आपका मोहल्ला आपके ऊपर फख्र करेगा कि ये मेरे मोहल्ले का है। हर कोई अपने प्राउडली कहेगा कि दिस स्टूडेंट द पर्सन हु हैज क्वालिफाइड द सिविल सर्विसेज इज फ्रॉम पांजीपाड़ा, मैं उसे जानता हूँ। हर कोई आपसे अपनी जान पहचान साबित करेगा। तो अपने मोहल्ले को, अपने कस्बे को फख्र महसूस करने का मौका दीजिए, अपने वालदैन को फख्र महसूस करने का मौका दीजिए, अपने टीचर्स को फख्र महसूस करने का मौका दीजिए, अपने सीनियर्स और जूनियर्स को फख्र महसूस करने का मौका दीजिए, और ये तब हो पाएगा जब आप मेहनत करेंगे। तो इस शेर के साथ मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करूँगा कि अंजाम उस पे छोड़ दे आगाज करके देख, अंजाम उस पे छोड़ दे आगाज करके देख, भीगे हुए परों से परवाज करके देख। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर फॉर डिलीवरिंग सच ब्यूटीफुल स्पीच इन फ्रंट ऑफ अस।